हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मेरे द्वारा एसएससी जीडी का हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाता है। तो आप लोग यदि एनालिसिस देखते होंगे डेली का, तो आप लोग जानते होंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, पंचवर्षीय योजना से हर रोज़ हर शिफ्ट, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं होता जिसमें एक से दो क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से नहीं पूछा जाता हो। इस वीडियो में हम लोग मात्र 4 से 5 मिनट की वीडियो में पूरा पंचवर्षीय योजना का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। बस आप 4-5 मिनट देख लेना, एक से दो नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, अभी तक का एसएससी जीडी का ऑल शिफ्ट का, जीके जीएस का आपको पीडीएफ चाहिए वो भी फ्री में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पे मैसेज करके आप अभी तक का जीके जीएस का ऑल शिफ्ट का पीडीएफ ले सकते हैं वो भी फ्री में। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो जरूर देखिएगा, 4 से 5 मिनट का वीडियो आपको एक से दो नंबर दिला सकता है। चलिए हम लोग जीरो से बात करेंगे, सारा कुछ इसको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे हम आपको। देखिए पंचवर्षीय योजना का सबसे, देखिए ना हमको पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हम याद किए हैं ना आपको याद करने बोलेंगे, मात्र 3 से 4 चीज़ आपको याद रखना है। पूरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है ये याद हो जाएगा। कैसे? एक याद रखिएगा 66 से 69, यहाँ लिखा हुआ है ना, 1978 से 80 है, 1966 से 1969 है, 1978 से 1980 है, 1990 से 1992। ये तीन चीज़ याद रखिएगा, ये तीनों ईयर के समय पंचवर्षीय योजना हुआ ही नहीं था, योजना अवकाश था। 66 से 69, 1978 से 80 और 1990 से 1992, ये तीनों जो कार्यकाल लिखा हुआ है इसमें पंचवर्षीय योजना हुआ ही नहीं था। इसके बाद 1951 से आपको स्टार्ट करना है और 5 साल 5 साल बढ़ाते जाना है। बस ये तीनों जो आएगा 66 से 69 जहाँ आएगा वहाँ गैप कर देना है, उसके बाद फिर 5 साल 78-80 गैप करना, फिर 5 साल 90-92 गैप करना, फिर 5 साल। और सिर्फ एक ठो याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना पूछता है क्वेश्चन, कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष की थी, वो 5वीं पंचवर्षीय योजना है 1974 से 1978, ये केवल 4 साल का ही था। बस ये याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल का थी। और एक और याद क्या रखिएगा, ये तीनों 66 से 69 और 78 से 80 और 90 से 92 पंचवर्षीय योजना नहीं था, ठीक है। आपको एक भी याद नहीं, 1991 से याद करिए स्टार्ट कीजिए, 5 56 56 से स्टार्ट कीजिए, दूसरा 61-5 बढ़ाइए 61 से 66। अब देखिए 66 आ गया, 66 से 69 गैप है, तो 69 के बाद स्टार्ट कीजिए 69 से 74, फिर 74 से 78, फिर 78 से 80 गैप कीजिए, फिर 80 से 85, ऐसे करके आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के किस पे आधारित है, या तो किस पे जोर दिया गया, क्या हुआ, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें क्या है, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इस पे प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पे ज़्यादा जोर दिया गया। नदी घाटी परियोजना का उद्घाटन हुआ। 5 IIT की स्थापना हुआ, ये याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन आपको 5 IIT का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। दूसरा वाला 56 से 61, ये पीसी महानोबिस पे आधारित है, उद्योग पे इस पे ज़्यादा जोर दिया गया। भिलाई दुर्गापुर राहुल केला इस्पात संयंत्र की स्थापना, मिश्रित अर्थव्यवस्था दूसरे को ही कहा जाता है, ये सारा याद रखिएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ मिल जाएगा, या तो एक व्हाट्सअप नंबर भी है वहाँ पर भी ले सकते हैं। तीसरा 1961 से 66 सैंडी चक्रवर्ती महानोबिस के मॉडल पर आधारित था, जोर दिया गया आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था की स्थापना, पूछेगा कब, तो तीसरा में। चौथा का कार्यकाल 1969 से 1974, हरित क्रांति पे जोर दिया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसमें आपको पूछिएगा क्वेश्चन कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो 1969 से 1974 के दौरान। 74 से 78 डीपी धर, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल की थी, पूछता है ये क्वेश्चन। गरीबी हटाओ का नारा पूछता है कब दिया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विश्व सूत्री कार्यक्रम का भी शुरुआत हुआ। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो 6वीं याद रखिएगा। और 7वीं में क्या हुआ, 1985 से 90 कार्यकाल, जवाहर रोजगार योजना 1989, नीली क्रांति भी 7वीं में याद रखिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92-97, उद्योगों का आधुनिकीकरण हुआ। भारतीय की नई शिक्षा आर्थिक नीति 1991, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान याद रखिएगा। आगे हम लोग 9वीं का बात करते हैं, 97 से 2002 कृषि और ग्रामीण विकास हुआ इसमें। 10वीं 2002 से 2007, अगले 5 वर्षों में 50 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित करना था 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। 11वां का 2007 से 12 राजीव आरोग्य स्वास्थ्य असमावेशी विकास का किस पंचवर्षीय योजना था, 11वीं। 12वीं 2012 से 17 88,000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ने का लक्ष्य, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान।
इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक है वहाँ मिल जाएगा। देखिए आप लोग समझ सकते हैं इसको बनाने में कितना मेहनत लगा होगा, सब कुछ चीज़ को एकत्रित करके एक जगह बताया गया है। बाकी मेरे द्वारा हर शिफ्ट का एग्जाम का एनालिसिस भी करवाया जा रहा है। मेहनत पसंद आए ना एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी तक का जीके जी इसका ऑल शिफ्ट का पीडीएफ आपको फ्री में चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा, फ्री में पीडीएफ मिलेगा। चलिए मेहनत पसंद आए तो एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।